नमस्कार साथियों, आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं गीता, जिसे न सिर्फ आप जानते हैं बल्कि पूरा विश्व जानता है कि किस तरह भारत से पाकिस्तान चली गई थी और उसके बाद से पूरा हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारी जो सब रोटरी के लोग हैं और सभी दूसरे लोग उसे अपने घर तक पहुँचाने में लगे थे। तो आज यहाँ पर रोटरी क्लब ऑफ इंदौर आदर्श के हमारे सब साथी इकट्ठा हुए हैं और बहुत ही अथक प्रयासों से ज्ञानेंद्र जी और मोनिका जी के शायद हमें अब गीता का परिवार मिल गया है और उसे हम अब छोड़ने के लिए जा रहे हैं। ज्ञानेंद्र भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं कि गीता का कब कहाँ से जाना हुआ, कैसे हुआ और अभी तक कैसा आपने उसके साथ साथ दिया, बताएं। गीता जब छोटी थी तब पाकिस्तान चली गई थी गलती से ट्रेन में बैठकर, और 26 अक्टूबर 2015 को हमारे देश के विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी के विशेष प्रयासों से गीता भारत आई और हम लोगों ने कोशिश की कि गीता को पुनर्वासित करने का प्रयास किया जाए। भारत सरकार, मध्य प्रदेश शासन और इंदौर जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत रहा। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3040 जो हमारा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब हैं नारायण साहब, आपका बहुत बड़ा हमको मार्गदर्शन मिला। गीता का घर जो ढूंढने में आसानी मिली वो रोटरी के कारण हुआ। हमारे राजेंद्र जैन साहब, असिस्टेंट गवर्नर साहब, और सबसे बड़ा आशीर्वाद वो फादर वर्गीज अलंगाडन जी का मिला, जो यूनिवर्सल सॉलिडारिटी मूवमेंट से हैं, जो संस्थापक हैं और रोटरी में हैं। और जो गीता है वो 26 अक्टूबर 2015 को इंडिया आई थी, इंदौर में 5 साल से थी और पिछले 4-5 माह पूर्व भी जिला प्रशासन इंदौर ने सब उनको सौंपा था। हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया गीता के लिए, और जो मराठवाड़ा रीजन है वहाँ के क्षेत्र को ये बिलोंग करती है, इसकी दाई नाक छिदी है और बहुत सी ऐसी क्लूज जो मोनिका जी ने लगातार प्रयास करके निकाले। और इसका खान पीन, रहन सहन, सबसे बड़ी बात जब यूएसए में आते थे तो यहाँ से इसको खाने पीने का जो मिला, कुछ साउथ इंडियन स्टाइल का फूड से भी इसको हमको आसानी हो गया टिप्स मिलने में। और अब गीता को लगभग एक परिवार ने परवणी का दावा किया है, उनसे काफ़ी रिजेम्बलेंस मिले हैं, उनसे मिलाने का प्रयास है। साथ में परवणी की एक मूक बधिर संस्था पहल फाउंडेशन, उसमें रह के गीता पढ़ाई करेगी, वहाँ पे कैंपिंग करेंगे सर, और आत्मनिर्भर बनने के साथ पेरेंट्स के साथ भी यूनाइट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी, मुनिका भाभी, आप सबके प्रयासों से आज गीता अपने घर पर जा रही है। आप फादर वर्गीस हैं, उनका पूरे टाइम गीता को सपोर्ट मिला है, और मैं अब अनुरोध करता हूँ असिस्टेंट गवर्नर साथिका नारंग जी से कि गीता को हमारे गणेश भगवान जी की छोटी सी स्मृति प्रदान करें, और हम सभी यह प्रेयर करते हैं कि गीता अपने घर जा सके। और इस प्रयास में आप सभी के कामनाओं से हम सब सफलता प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय रोटरी।